उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 3,317 सहायक अध्यापकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जाने वाले ऑनलाइन नियुक्ति व पद स्थापन पत्र के वितरण समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास से किया गया। ऑनलाइन नियुक्ति व पद स्थापन पत्र के वितरण से जनपद गोरखपुर में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति व पद स्थापन पत्र का वितरण NIC के सभागार में सदर सांसद रवि किशन, सांसद शिव प्रताप शुक्ला, विधायक शीतल पांडे, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के विजन पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया सहित चयनित शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले से चयनित 2 नवनियुक्त शिक्षक, जिसमें गृह विज्ञान की शिक्षक हेम प्रभा ओझा और अंग्रेजी से चयनित निकिता परवीन से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विषयों पर वार्ता किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। नियुक्ति पत्र व पद स्थापन पाकर नवनियुक्त शिक्षकों के चेहरे पर खुशी दिखी। इन सब नवनियुक्त शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के उनके दायित्वों का बोध कराते हुए कहा कि शिक्षक समाज का पहचान है, शिक्षक किसी के कर्मचारी नहीं होते, शिक्षक अपने विचारों से संस्कारों से समाज को बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी नवनियुक्त शिक्षक ऐसा कार्य करें कि छात्र उन्हें याद करें और उन्हें कहीं भी मिलने पर उनका सम्मान करें। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनियुक्त शिक्षिका निकिता परवीन तथा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, से जुड़े हुए सभी प्रदेशवासी एवं शिक्षकगण, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन स्वागत करना चाहती हूँ तथा आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। प्रथम चरण का परीक्षा खर्च का विशेष भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और पहली बार साक्षात्कार हटा के केवल लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। निर्देश हमने जारी तत्व में मात्र 3.5 साल की अवधि में 193 नए इंटर कॉलेज स्थापित हुए और 30 बालिका छात्राओं के संचालन TRT की पाठ्यक्रम को लागू करते हुए लागू कराया, जिस पर 5,987 नए पदों का सृजन जो दीनदयाल उपाध्याय मॉडल संक्षेप में किया गया। और जैसा कि हमने पहले कहा कि बोर्ड परीक्षा संपादन में ऑनलाइन केंद्रों का निर्धारण, ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन मान्यता, ऑनलाइन डुप्लीकेटर पद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। परीक्षाओं में एक स्वच्छता लाने के लिए सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, अगर देखा जाए तो 3,600 परीक्षा केंद्र इस वर्ष कम हुए, 2,017 जितने परीक्षा केंद्र थे उनसे घट के जल्दी पढ़ने चाहिए थे, पढ़ने की जगह घट के 7,784 परीक्षा केंद्र इस बार कुल रहे और 12 दिन और 15 दिन परीक्षाओं का संपादन करने में हम लोग सफल रहे। 1,94,000 CCTV कैमरे के साथ हम लोगों ने 2,82,000 से 2,82,00,000 के मत पर परीक्षार्थियों की कॉपी कुछ ही करके मात्र 3 दिन में कोविड परीक्षा फल को निकालने में सफलता प्राप्त करी। सर्वप्रथम सुशी शर्मा
तीसरे अभ्यर्थी है मोहम्मद अख्तार, ये दिव्यांगजन है सर, इनको पैर की तकलीफ है। क्या नाम आपका, क्या विषय है आपका? इंग्लिश में बहुत सुंदर पढ़ाएंगे क्या देते ना। कहाँ घर है आपका? प्रयागराज के रहने वाले थे। आपको बाराबंकी आपको मिला देवी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या विषय है आपका? जैसे होगा तैसे। मुझे तो विकलांगता से दिव्यांग बना दिया सर। चलिए बहुत सुंदर जी। गीता परवीन जी है सर, इनके मंत्री पुत्र निकट परवीन जी यहाँ का सर आज जारी होगा सर, आपसे वार्ता भी करने चाहते हैं। निकट परवीन है, निकट परवीन, निकट परवीन, निकट परवीन, निकट परवीन। निकट जी क्या करती हैं आप? सर अभी तो स्टूडेंट थी, आज से सहायक अध्यापक का पद करने का मौका मिला है। कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप अपने समाज के अन्य महिलाओं को भी, बालिकाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ना? बिल्कुल सर, और खास करके उन गर्ल्स को जो दिव्यांग हैं, जिन्हें जी मैं दिव्यांग जन को बहुत प्रेरित करूंगी कि वो आगे अपनी पूरी शिक्षा पूरी करें। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपको देखिए सहायक अध्यापक अंग्रेजी के रूप में आपको आज आपका चयन होने के साथ ही आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त प्रदान करने के लिए मुंबई से रवि के सत्य स्वयं आए हुए हैं। हर महादेव। अरे प्रभु राम, हम यहाँ हम यही बसे हुए हैं। मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का चयन की प्रक्रिया एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई और मैं उसमें चयनित हूँ। मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। बहुत सुंदर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। देखिए शासन में जब शासन का ऐसा विकास होता है तो वहां पे व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर के ही शासन की चयन की प्रक्रिया बढ़ती है। आप जैसे योग्य लोग इसलिए चयन हो रहे हैं क्योंकि शासन की नियत में कोई खोट नहीं था और शासन ने तय किया था कि ईमानदारी पूर्वक प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हमें योग्य शिक्षक देने हैं। लोक सेवा आयोग ने आपकी परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई और पारदर्शी प्रक्रिया में हमारे यहाँ के अधिकारियों को किसी को नहीं मालूम कि किसका कहाँ के लिए चयन होना है। प्रक्रिया के बाद आप लोगों का चयन हो रहा है, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि आपकी है। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को और ये सभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिन लोगों की मेहनत से पारदर्शी प्रक्रिया लागू हुई है, ये सबको भी मैं बधाई देता हूँ और आपको और आपके परिवार के लोगों को धन्यवाद। और आपको कहाँ से? पढ़लगढ़ से। आपको देखिए, आपको सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के रूप में आपका चयन हुआ है जी सर।
तो गृह विज्ञान में आप भोजन बनाना घर के अंदर ही जानती है और बच्चों बताइए जी सर, भोजन बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे मतलब परिवार की देखरेख और भी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, पोषण है, बहुत सारी चीजें हैं सर। और जैसे आपका है गृह विज्ञान का जी सर, देखिए पूरे जीवन पद्धति आपके इस विषय के अंदर ही समाहित हुआ है जी सर। और अगर आप लोग बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सके, यानी जो बच्चे आपके विषय को पढ़ेंगे उनको तो, लेकिन साथ साथ सामान्य रूप से विद्यालय में प्रार्थना सभा जो अवस्था होता है वहाँ पर, जब विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ पर, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस समय आप लोगों को अपना एक कार्यक्रम स्पेशल बनाना चाहिए, विज्ञान का एक स्पेशल कार्यक्रम वहाँ पे बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि अलग अलग उस टॉपिक को जो हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, वे सभी आपके गृह विज्ञान विभाग के गृह विज्ञान के अंदर आते हैं जी सर। और इन चीजों को अगर आप लोग कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कार्य कर लेंगे आपको जी सर, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नियमित रूप से विद्यालय जा करके वहाँ पे पठन पाठन का एक माहौल बनाने की तैयारी करवाइए जी सर, करेंगे। और विद्यालय से शुरुआत अगर हो जाएगी तो फिर समाज अपने आप आगे बढ़ेगा जी, आपको भी और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मिलकर के प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उसमें गुणात्मक सुधार करने में सबको अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत जी सर, यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए और शिक्षा के लिए हर क्षेत्र के लिए सर बहुत अच्छे हैं। सर इतना मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करके स्कूल में जाके पढ़ाएंगे ना? जी सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसा कि उनके समझ में आए और केवल रटे नहीं बल्कि उनको चीजें और उनके मूल्यों को अर्थ समझे। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की शुभकामनाएं की आप सबको और आपके परिवारजनों को। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि अभी मुझे अपने सफलतम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करते हुए आज उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनसे मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ वक्तों में मैंने 5 जो यहाँ पर सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं उनको स्वयं नियुक्ति पत्र भी दिया है। और जो ऊर्जा हमारे पास है, जो उत्साह है, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा, ये सकारात्मक उत्साह ही वास्तव में समाज की सही ताकत है। ये ताकत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में कुछ चेंज देखे होंगे। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3,00,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है, उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सके और उन्हें यथायोग्य सेवा कौशल शासन की व्यवस्था में विभागों में दे सके। 3,00,000 से अधिक नियुक्तियां अब तक हम कर चुके हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान कोरोना कालखंड के दौरान इसमें सुस्ती आई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से प्रक्रिया फिर हमने तेज की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वितरित की और आज मैं माध्यमिक शिक्षा
के माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, श्रीमती कुमार देवी जी को, विभाग के अपर मुख्य सचिव और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज 3,317 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में जो रिक्तियां थी उनको भरपाई करने और पठन पाठन का एक बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तकनीक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, हमने यद्यपि अपने सामान्य जीवन में इसको महसूस किया होगा, लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान बहुत नजदीक से हम लोगों ने इसकी ताकत को जाना है, पहचाना है। खासतौर पर इस दौरान जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है, चाहे वह योजनाओं का लाभ गरीबों तक देने का रहा हो, कोई सोच सकता था अगर 2 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना होता तो एक तो इसके लिए समय खर्च करना पड़ता, इतने मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते, दूसरा पैसा जब आप मैन्युअली देंगे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मिलेगा तो घुस ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला, जनधन अकाउंट का लाभ क्या मिला कि एक बटन दबाया 2 करोड़ लोगों के खाते में इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच गया। हमने 87 लाख गरीबों के खाते में, वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके अकाउंट में इनकी पेंशन की एडवांस राशि और कोविड के दौरान भरण पोषण की अतिरिक्त राशि देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। एक क्लिक में सभी 87 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। नहीं, उनका है, उनका उनका है, उनको भी आने दे दिया। सभी का दे दीजिए, कपड़ा अच्छा नहीं सर, आप भी बैठ जाए ना, आप भी बैठ जाए, ठीक है। बहुत सा पीछे, थोड़ा सा पीछे आ जाएगी। निखत परवीन, बस मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मुख्यमंत्री जी के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान हुआ और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया का आधार बनाया और मैं उसमें चयनित हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जो नए शिक्षक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे 3,317 शिक्षकों को जो है लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत किया, शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा थे, गुलाब देवी थी, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। जिलों में माननीय जनप्रतिनिधि सांसद हैं, विधायक हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ भी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है और यह अपेक्षा किया है कि जा करके जिस प्रकार से बिना किसी भ्रष्टाचार के उनको नियुक्ति पत्र मिला है, अब लगता है कि चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे कुछ हो, अब लगता है कि है, तो इनको भी ये लगा कि बिना पैसा दिए हम नौकरी पा रहे हैं, तो अब जा करके वहाँ उन बच्चों को जो गरीब हैं उनको भी पूरी तौर पर शिक्षित प्रशिक्षित करने का काम करें। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई और बिना किसी इंटरव्यू के केवल उनके लिखित परीक्षा के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र मिल गया।